प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को दबोचा, एक को गोली लगी। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने तमंचा सहित अन्य उपकरण बरामद किए। प्रयागराज जनपद के पूरा मुफ्ती थाने की टीम ने रविवार की रात एक बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की घेराबंदी कर ली। बदमाशों ने भी पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, इससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर घायल सहित एक और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तमंचा सहित तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि यह सभी सफदरगंज इलाके में ईंट भट्टे के पास तमंचा बनाते हैं। बदमाशों की शिनाख्त रत्नेश और गोलू के रूप में हुई है, जो कि कौसाम्बी के रहने वाले हैं और काफी दिनों से इन झाड़ियों के बीच तमंचा बनाने का काम कर रहे हैं। आगे देखें घटना के संबंध में पुलिस ने क्या कहा। थाना पूरा मुफ्ती क्षेत्र में सफदरजंग भट्टे के पास मुखबिर से सूचना मिली थी इस तरह की गतिविधि की। पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो वहां पे मौजूद अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी उसमें घायल हुआ, जिसे इलाज हेतु हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसका नाम रत्नेश है। उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे लूट और डकैती के हैं। उसका दूसरा साथी गोलू भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 7 315 बोर के तमंचे, 2 12 बोर के तमंचे, उसके अलावा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा कहां कहां ये सप्लाई किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी इनसे ली गई है। इनसे जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी ली गई है। उस पर पुलिस टीम आगे काम कर रही है। इनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट इत्यादि की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। आज देर रात थाना पूरा मुफ्ती की पुलिस टीम द्वारा केंद्रीय विद्यालय मनोरी के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ सरपत्ती की झाड़ों के बीच आग जलाकर कुछ लोगों के द्वारा अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके सूचना पर थाने की टीम तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हुई और यहाँ ईंट का भट्टा है वहाँ पर इन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, जहाँ से ये टीम पैदल ही चली और ये पास आई तो इन्होंने देखा कि 2 लोग आग के पास बैठे हुए हैं और कुछ हथौड़े से कुछ निर्माण कर रहे हैं। जब इनकी आवाज़ उन लोगों को पहुंची तो उन्होंने इन पर फायर किया। पुलिस टीम पर फायर होने पर पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया। कुछ देर बाद वहां से कुछ आवाज़ नहीं आई तो पास आने पर एक आदमी घायल अवस्था में मिला, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी, जिसको तथा दूसरा व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको दौड़ाकर पकड़ लिया गया। वहां पर भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का सामान प्राप्त हुआ है तथा 7 बने हुए अवैध शस्त्र प्राप्त हुए हैं और 3 अधबने अवैध शस्त्र प्राप्त हुए हैं तथा एक अपाची बाइक भी वहां से प्राप्त हुई है। ये जो 2 लोग हैं इनकी पहचान रत्नेश सनोफ रमेश चंद्र विलेज मेहंदीपुर थाना पीपरी कौसाम्बी का रहने वाला है तथा दूसरा व्यक्ति गोलू सनोफ राम सुमेर ये भी मेहंदीपुर थाना पीपरी कौसाम्बी का रहने वाला है। जो घायल है उसको SRN हॉस्पिटल भेजा गया है इलाज के लिए तथा यहाँ पर फोरेंसिक की टीम आ गई है, जो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।